फ्रेंड्स, डायबिटीज पेशेंट्स कई बार न्यूज़पेपर की किसी बात से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इंटरनेट पर कुछ पढ़ लेते हैं या कई बार अपने फ्रेंड्स की बातों में आ जाते हैं, जिनकी वजह से उनके मन में काफ़ी डाउट्स आ जाते हैं। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव लाइफ ब्लिस आज ऐसे ही कुछ कॉमन डाउट्स इस वीडियो के थ्रू क्लियर करूंगा। फ्रेंड्स, डायबिटीज़ के ये पेशेंट रिलेटेड डाउट्स को हम आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के थ्रू, जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस सेशंस में किया है। तो बढ़ते हैं हम हमारे पहले कॉमन डाउट की तरफ। डॉक्टर, मुझे डायबिटीज तो हो चुका है, क्या इसका ये मतलब है कि आज के बाद मैं शुगर या कोई भी मीठी चीज कभी नहीं खा सकूंगी? फ्रेंड्स, ये कॉमन मिसकंसेप्शन है जो मैक्सिमम डायबिटिक पेशेंट्स के मन में होता है। डायबिटीज के पेशेंट्स डेफिनेटली शुगर खा सकते हैं अगर वो लिमिट में खाएं और कम मात्रा में खाएं। मैं सभी डायबिटिक पेशेंट्स को यही सलाह देता हूं कि एक बैलेंस्ड डाइट लें। जोश में कई बार पेशेंट्स शुरुआती तौर में शुगर पूरी तरीके से छोड़ देते हैं, लेकिन इस चीज़ को लाइफ लॉन्ग सस्टेन करना एक बड़ा चैलेंज होता है। और कई बार हमारी प्रैक्टिस में हम ऐसा भी देखते हैं, अगर कुछ पेशेंट्स शुगर को अपनी डाइट से पूरी तरीके से निकाल देते हैं तो ऐसे पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया या लो शुगर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। डॉक्टर, आई एम ऑन एलोपैथी मेडिसिन फॉर माई डायबिटीज, क्या इसके साथ में मेरे रिलेटिव की बताई हुई आयुर्वेदिक पाउडर ले सकती हूँ? मेरे रिलेटिव का कहना है वो पाउडर बहुत इफेक्टिव है। फ्रेंड्स, इस डाउट का एक ही क्लैरिफिकेशन है, कोई भी थेरेपी बुरी नहीं होती, चाहे वो एलोपैथी ट्रीटमेंट हो, होम्योपैथी हो या हो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। मेरा मेरे पेशेंट्स को एक ही सजेशन होता है, जब भी आप डायबिटीज या किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट करें, सिर्फ एक ही थेरेपी पर विश्वास करें। सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी थेरेपी एक प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर के पास चल रही हो, जिसकी एक प्रॉपर डिग्री है। पेशेंट्स कई बार मल्टीपल थेरेपीज लेते हैं एज इफ उनकी बॉडी एक एक्सपेरिमेंटेशन के लिए बनी है। ऐसा करते वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पेशेंट्स फेस करते हैं वो है हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि मल्टीपल थेरेपीज काम करती हैं, पेशेंट्स की शुगर झटके से लो हो सकती है और कई बार अगर पेशेंट्स को साइड इफेक्ट्स होते हैं तो पता ही नहीं पड़ता वो कौन सी थेरेपी की वजह से है। सर, मैंने सुना था इंसुलिन चालू करने के बाद लोगों को ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन को तो हमेशा फ्रिज में ही रखना पड़ता है, क्या ये सच है? फ्रेंड्स, ये बहुत ही अहम सवाल है जो प्रैक्टिकली हर इंसुलिन इनिशिएटेड पेशेंट डॉक्टर से पूछता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये डाउट का सही तरीके से क्लैरिफिकेशन नहीं होने की वजह से पेशेंट्स, डायबिटीज पेशेंट्स जो इंसुलिन लेते हैं वो ट्रैवलिंग करने से कतराते हैं। इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो कार्ट्रिज और वो वायल इंसुलिन की जो कि एग्जिस्टिंग यूज में है, उसे बिल्कुल भी फ्रिज में रखना जरूरी नहीं होता, क्योंकि इंसुलिन की शेल्फ लाइफ होती है 28 डेज। इसका मतलब है 28 दिन तक इंसुलिन को फ्रिज में रखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता और ऐसे पेशेंट्स आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन वो इंसुलिन जो स्टोरेज में है उसे डेफिनेटली फ्रिज में रखना पड़ता है। इनफैक्ट इट्स द ऑपोजिट, कई बार पेशेंट्स फ्रिज से निकाली हुई इंसुलिन लगाते हैं जिसकी वजह से उन्हें दर्द भी ज्यादा होता है। डॉक्टर, मुझे कई सालों से डायबिटीज है और मुझे पिछले कुछ दिनों से पैरों में जलन होने लगी है और कभी कभी झुनझुनी भी होती है, इसका क्या कारण हो सकता है? ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कई डायबिटिक पेशेंट्स फील करते हैं। इस कंडीशन को कहा जाता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो डायबिटिक पेशेंट्स में देखी जाती है, जिसका कारण होता है डायबिटीज की वजह से पैरों की नसों पे असर होना या कई बार कॉन्कमिटेंट विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी एक कारण हो सकती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी की इस बीमारी को आसानी से ठीक किया जा सकता है। सबसे पहली कंडीशन होती है अ टाइट कंट्रोल ऑफ शुगर्स, उसी के साथ साथ कुछ मेडिसिंस दी जाती हैं जिनकी वजह से ये सिम्टम्स कम हो जाते हैं। कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में नर्व रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं और कुछ पेशेंट्स में न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर, मेरे कई फ्रेंड्स डायबिटीज के लिए जेनेरिक मेडिसिंस लेते हैं जिसकी वजह से उनका काफी खर्चा कम हो जाता है, क्या मैं भी डायबिटीज के लिए जेनेरिक मेडिसिंस ले सकती हूँ? इस क्वेश्चन का आंसर देते समय मैं मेरे पेशेंट से यही कहता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपकी मर्जी, जहाँ से आप कंफर्टेबल हो वहाँ से आप मेडिसिंस लें। फाइनेंशियली वीक तबके के पेशेंट्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने डेफिनेटली जेनरिक मेडिसिन का इंतजाम करके रखा है। फ्रेंड्स, जेनरिक मेडिसिन पर शिफ्ट होने से पहले सिर्फ आपके ट्रीटिंग डॉक्टर से इस बारे में डिस्कशन जरूर कर लें, क्योंकि कुछ ब्रांडेड अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन भी सस्ते दाम पर अवेलेबल होती हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं डायबिटीज रिलेटेड ये डाउट्स के बारे में आपको डेफिनेटली क्लैरिफिकेशन मिला होगा। अगर आपके मन में इनको छोड़कर कोई भी एडिशनल डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर पूछिए।